निवेदन आपसे किया था, आप लोग बैठ जाए सब लोग, यदि इन दोनों आत्माओं को आप ईमानदारी से न्याय दिलाना है तो बिना कहे आप लोग बिरा जाए। सबसे पहले तो मैं भाई चुनीलाल जी और राजू राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और मैं हजारों की तादाद में उपस्थित समाज के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा। मैंने कल भी कहा था, न्याय शब्द छोटा वो अवश्य है लेकिन न्याय बड़ा दुर्लभ है, और आप लोगों ने जो इस दलित मेघवाल परिवार को न्याय दिलाने के लिए हजारों हजार की संख्या में जो आप लोग पधारे हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र के अंदर, कि हम सर्व समाज के लोग किसी भी पीड़ित व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा लड़ते हैं। ये हमारी नागौर जिले की विशेष ये पहचान भी है। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि कोर कमेटी का जो भी फैसला है, जब तक इन सब फैसलों के ऊपर सरकार की हामी नहीं होगी तब तक हम सब लोग कंधे से कंधा मिला के और आप लोगों के साथ खड़े मिलेंगे। इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहता हूं। मैं युवा साथियों से जरूर अपील करूंगा, बड़े लोग जो दिल्ली जयपुर से आप लोगों के बीच आए हैं, इन लोगों की बात भी आपको सुननी है। सिर्फ हो अल्लाह से, सिर्फ हंगामे से कुछ नहीं मिलना आप लोगों को। आप लोगों को आज इतनी बड़ी संख्या में इस दलित पीड़ित व्यक्ति के को न्याय दिलाने में इकट्ठे हुए हैं, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अनुशासन से हम लोग जो भी बाहर से लोग आए वो क्या आपको बात बताते हैं, क्या हमारे हम सबको मिलकर आगे इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या हमें कार्रवाई करनी है, ये सब हम लोग मिलकर करेंगे। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, आप लोग अनुशासन भी बनाए रखें, जो भी प्रतिनिधि मंडल आए वो अपनी बात आपको कहेंगे, आप धैर्य पूर्वक सुने, और ईमानदारी से जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिले तब तक हम सब लोगों को मिलके और इस परिवार को न्याय दिलाना है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिला के जाना चाहूंगा कि राजस्थान में जान जान भी दलित अत्याचार हुए, माननीय पुखराज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब जगह व्यक्तिगत और हमारी पूरी टीम ने जाकर प्रयास किया कैसे मामलों की पुनरावृत्ति भी नहीं हो, भाई राजू राम जी और चुनीलाल जी के परिवार को न्याय भी मिले, और आज ऐसा कोई संकल्प यहां से हम लेके जाएं कि गुंडे बदमाश जो राजस्थान के अंदर तेजी से पनप रहे इन लोगों का कोई ना कोई बड़ा ऑपरेशन भी होना चाहिए, दूसरा कोई व्यक्ति इन लोगों के टायरों के नीचे या इनकी बंदूक की गोली का शिकार नहीं हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। एक बार पूरा मैं कोर कमेटी जो बैठी है आप सभी मैं निवेदन करूंगा, इस मामले के अंदर आप जो भी फैसला करेंगे पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और यहाँ का जितना भी किसान समाज जो सर्व समाज के लोग आए और विशेषकर युवा साथी हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करेंगे इस इलाके में अमन चैन बने और इस पीड़ित परिवार को 100% न्याय दिला के और हम लोग यहाँ से उठेंगे। धन्यवाद, राम राम, जय भीम। धन्यवाद धन्यवाद साहब विधायक महोदय, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए आप सभी जितने भी पार्टी के प्रतिनिधि सांसद विधायक आए हैं उनसे यही अनुरोध है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। मैं आगे के वक्ता के रूप में हमारे बीच में बहन पूजा है जो राजू और चुनीलाल की बहन है, वो दो बात कहना चाह रही है। बहन पूजा,